press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हमेशा सुर्खियों में रहने वाले मीरा रोड शहर की कई नामी ग्रामी हस्तियों ने कुछ ऐसे कारनामे अंजाम दिए हैं जिसका डंका पूरे दुनिया में बजा है। फिर वो चाहे आईपीएस अधिकारी समीर शेख हो जो मीरा रोड के सेंट जेवियर स्कूल में पढ़ा करते थे, या फिर एसजीएसटी अधिकारी आकिफ हुसैन जो मीरा रोड के अस्मिता विंटेज में रहते हैं जिन्होंने हज़ारों करोड़ों रुपये के ड्रग्स अभी तक का जब्त किए और बड़ी कार्रवाई की है। आज हम दर्शकों आपकी मुलाकात एक ऐसे नौजवान युवक से करने जा रहे हैं जिसे गूगल कंपनी ने हायर किया है। ये बच्चा जो है अब्दुल्ला मोहम्मद असलम खान साहब जो है इनके साहबजादे हैं, और असलम खान साहब जो है ये जीएच ट्रांसपोर्ट सऊदी में काम किया है इन्होंने पिछले 35 साल, और बच्चे की बर्थ तो यहीं हुआ बॉम्बे में, और मीरा रोड में एनएच स्कूल में कुछ साल वो पढ़ा है, लेकिन उसके बाद वो दमाम में उसने बाकी की तालीम हासिल करी और वह पिछले 4 साल से एलआर तिवारी कॉलेज में जो है कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा है। ये कल ही हमने भी टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर फ्रंट पेज में जब ये न्यूज़ आई तो पढ़ करके हमको बेहद खुशी हुई कि हमारे इलाके के अंदर हमारे कौम का एक बच्चा जो है इस लेवल पे उसका सिलेक्शन हुआ है, और इसीलिए आज उनकी फैमिली को, उनके वालिद को, उनके वालदा को और बच्चे को यहाँ बुला करके उसे मुबारकबाद पेश करने का पेश हमने किया। पिछले ही महीने मीरा रोड अस्मिता लोटस सोसाइटी में से, नया नगर में से, एक मिस्टर आकिफ राजा हुसैन जो सुपरिंटेंडेंट ऑफ सीजीएसटी मुंबई सेंट्रल एक्साइज के हैं, उनको भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 4,500 करोड़ रुपए के ड्रग्स हॉल के बारे में, ड्रग्स जो उन्होंने पिछले साल पकड़ा 4,500 करोड़ रुपये के, उसके लिए उनको प्रेजिडेंशियल अवार्ड मिला। 800 करोड़ से ज़्यादा उन्होंने जीएसटी टैक्स रिविजन्स के केसेस पकड़े, तो हमारे लिए निहायत ही खुशी की बात है कि हमारे इलाके में इस तरह के होनहार लोग और होनहार बच्चे जो हैं रहते हैं। इसकी मैं उनके वालिद साहब को और उनकी वालदा को मुबारकबाद पेश करता हूँ, उस बच्चे को मुबारकबाद पेश करता हूँ, उसके मुस्तकबिल के लिए, भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं यही कहना चाहूँगा कि तालीम, हमारे मजहब ने कहा है तालीम, और तालीम के मायने होते हैं दीनी तालीम और दुनियावी तालीम, यही हमको दुनिया में जो है ताकत दिला सकती है और प्रोग्रेस की तरफ ले जा सकती है। मगर हमने जब इस शहर की डेवलपमेंट प्लान मीरा भाईंदर का मैंने जब बनाया पिछले 1991 में जब मैं पहली बार कॉरपोरेटर बना, तो उसमें 40% एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए हमने रिजर्वेशन कराई। अगर आज ये बच्चा एलआर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में पढ़ रहा है तो कॉलेज जगह पे नहीं होता अगर तो रिजर्वेशन नहीं होता। आज आपकी मालूमात के लिए बताता हूं, एलोन मीरा रोड से 50 बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे हैं, 50 में से 12 बच्चे तो बॉस्टन में पढ़ रहे हैं, बॉस्टन में 50 बच्चे आज अमेरिका में पढ़ रहे हैं। मोर देन 200 स्टूडेंट्स, जो लाइब्रेरी हमने बनाई महात्मा गांधी लाइब्रेरी, वहां से चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर और प्रोफेशनल बन के पिछले सिर्फ 8-10 साल में निकले हैं, More than 200, और उसमें से मेरे ख्याल से more than 60-70 बच्चे जो है अमेरिका में जॉब कर रहे हैं, जो लाइब्रेरी हमने 20,000 स्क्वायर फीट की बनाई। तो बच्चों को कहना कि भाई तुम एजुकेशन प्राप्त करो, लेकिन रोल मॉडल जो होता है सोसाइटी के को जो मैनेज करता है, देखता है, रास्ता दिखाता है, ये उसका काम होता है। दृष्टि उसके पास होना चाहिए, विजन होना चाहिए कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है एजुकेशन। अगर एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो ये बच्चे कैसे पढ़ेंगे लिखेंगे। तो मुझे तो निहायत ही खुशी होती है कि जब मैं देखता हूं कि हमारे इलाके के मीरा भाईंदर के हजारों लाखों और सैकड़ों बच्चे जो हैं फॉरेन में पढ़ रहे हैं, विदेश में पढ़ रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, तो मुझे तो बहुत खुशी मिलती है। कई लोग मुझे व्हाट्सएप पे, फेसबुक के ऊपर मैसेजेस भिजवाते रहते हैं कि सर आपने लाइब्रेरी बनाई तभी हमने ये पढ़ा। कई बच्चे मुझे मैसेज भेजते हैं कि सर आपने मेरे स्कूल की फीस भरी थी इसलिए मैं आगे पढ़ पाया। तो एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो आदमी की जिंदगी को निखारता है, संवारता है। ऐसे बच्चों के लिए तो खुशी महसूस होती है साथ में सारे हमारे, हमारा ये नजरिया है कि हमारा बच्चा सिर्फ ना पढ़ लिख करके अच्छा बने बल्कि कौम के सारे बच्चे पढ़ लिख करके तरक्की करें, ताकि इस कौम पे जो लोगों ने तस्सुब डाल दिया है, यानी हेट का जो कौम के ऊपर जो हिंदुस्तान की अवाम जिस पैराए पे देख रही है, वो पैराया उस वक्त चेंज नहीं हो सकता
जब तक कि हमारे बच्चे मेजॉरिटी नहीं तो एटलीस्ट 50-50 उस कामयाबी की हद तक जाएंगे। लेकिन तसुब की वजह से कुछ बच्चों की जो टैलेंट होते हैं वो बढ़ नहीं पाते, इसकी यहाँ की हुकूमत के या यहाँ के जो लोग हैं मतलब सरकारी दफ्तरों में जो उनको नेग्लेक्ट करते हैं। ये नेग्लिजेंसी नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसको सेकुलर कहा जाता है, तो सेकुलरिज्म की बुनियाद पर जस्टिस होना चाहिए। और जस्टिस जब भी बच्चे जब भी कामयाब होंगे किसी भी कौम के, जब तक कि उनको उनके साथ जस्टिस में किया जाए। और अक्सर ये देखा जाता है कि जो बच्चे टैलेंट होते हैं हमारी कौम के उनको लोग डिमोरलाइज करते हैं। अब उसमें बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं कि अपना मॉरल को बरकरार रखते हुए आगे बढ़ते हैं। नहीं तो एक मतलब जो आदमी डिमोरलाइज हो जाता है तो डिप्रेशन और बहुत सारी चीजें सोचने लगता है कि मेरा पढ़ लिख करके क्या करूंगा। अंतिम अंदर उसके वालदेन इस पोजिशन पे होगी, भाई पढ़ाई अलग चीज है और तरक्की अलग चीज है, तरक्की और पढ़ाई दोनों अलग चीज है। पढ़ाई करोगे तरक्की मिलेगी, लेकिन तरक्की अपनी मेहनत पर नहीं मिलेगी, बल्कि इसका देने वाला खालिक मालिक अल्लाह ताला है। वो जिसको जब चाहेगा जो चीज चाहेगा दे देगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। सारे बच्चों को यही अपील करता हूँ कि अपने अपने औकात को मोबाइल की दुनिया से इंटरनेट की दुनिया से निकाल करके अपने औकात को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें कि अपनी पढ़ाई को मुकम्मल करें, अपनी तालीम को मुकम्मल करें। तालीम का मुकम्मल ये चीज नहीं होती कि आदमी अच्छे नंबर हासिल कर ले तो तालीम है, उसकी एबिलिटी होनी चाहिए। वो किस एबिलिटी का आदमी, तालीम आप MA या PhD कर रहे हैं, अगर आपके अंदर एबिलिटी नहीं तो कोई चीज नहीं। तालीम प्लस एबिलिटी होनी चाहिए। वो एबिलिटी का निखार कब आएगा, जब ऐसे माहौल में लोग बच्चे बैठेंगे उठेंगे बातचीत करेंगे तब वो एबिलिटी पैदा होती। तालीम अलग चीज है, एबिलिटी अलग चीज, दोनों अलग अलग चीज है। अब्दुल्ला की कामयाबी का सारा अब्दुल्ला के सर उसने मेहनत किया अपने अपने दोस्तों के साथ रह के, और इसका मेन चीज अब्दुल्ला ने मेहनत किया, लेकिन इसको देने वाला अल्लाह ताला है। तो जो भी काबिलियत जो भी उसकी जानियत या जो भी उसको काबिलियत दी अल्लाह ताला ने।